नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका नयाल। टाइगर श्रॉफ हाल ही में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की को स्टार अनन्या पांडे और तारा सुतारिया के साथ करण जौहर के चैट शो में शामिल हुए थे। शो में पहली बार उन्होंने गर्लफ्रेंड दिशा पटानी के साथ रिलेशनशिप पर बात की। उन्होंने पर्सनल लाइफ पर भी खुलकर बात की। टाइगर ने शो में बताया कि आखिर क्यों वो सिर्फ संडे को ही दिशा के साथ लंच पर जाते हैं। उन्होंने बताया कि वो संडे को अपना चीट डे बनाते हैं, यानी इस दिन टाइगर अपनी इच्छा और पसंद का खाना खाते हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने एब्स को मेंटेन रखने के लिए डाइट फॉलो करते हैं। उन्होंने बताया कि वो बहुत ज्यादा फूडी हैं। वहीं दिशा को लेकर भी टाइगर ने बड़ी बात कही है। दिशा को लेकर टाइगर ने कहा है कि मुझे उसका साथ पसंद है, मैं उस दौरान बहुत ही कम्फर्टेबल फील करता हूँ। हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है, मुझे उसकी कंपनी बेहद पसंद है और मुझे उसका बैग उठाना पसंद है। हमारी पसंद भी एक जैसी है, हालांकि इंडस्ट्री में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं। जी हाँ, ये पहली बार होगा जब टाइगर श्रॉफ ने दिशा पटानी को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और करण जौहर के चैट शो में बड़ा बयान दिया है। अक्सर टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी साथ साथ नजर आते हैं, जिसके बाद इनके रिश्ते को लेकर भी कई बार सवाल उठे हैं। हालांकि बीच में तो खबरें ये भी आई थी कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी ने सगाई भी कर ली है। हालांकि सगाई को लेकर टाइगर श्रॉफ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये माना है कि उन्हें दिशा पटानी की कंपनी काफी पसंद है और वो उन्हें काफी पसंद करते हैं और साथ ही उन्हें दिशा पटानी का बैग उठाना काफी पसंद है। वहीं चैट शो के दौरान टाइगर ने एक और खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मैंने जब से हॉरर फिल्में देखी हैं, तब से मैं अकेला नहीं सोता हूँ। अगर घर में होता हूँ तो मैं अपनी माँ के साथ सोता हूँ। अगर कहीं बाहर होता हूँ तो मेरे साथ टीम का कोई ना कोई मेंबर जरूर सोता है। बात अगर वर्क फ्रंट की करें तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के अलावा टाइगर श्रॉफ अपनी बागी 3 को लेकर भी चर्चाओं में है। खबरें हैं कि इस फिल्म में श्रद्धा कपूर उनके अपोजिट नजर आ सकती है। बहरहाल देखना ये होगा कि टाइगर के इस बयान पर अब दिशा पटानी क्या कहती है। वैसे आपको क्या लगता है और दोनों की जोड़ी आपको कितना पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।